और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो, चलो भैया जाओ आरएसएस के हो जाओ भागो मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। नेता गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस, कांग्रेस से 55 साल पुराना नाता तोड़ा, जाते जाते राहुल गांधी पर लगाए कई गंभीर आरोप, राहुल गांधी ने भी दिया गुलाम नबी आजाद को करारा जवाब। राहुल गांधी की यह वीडियो क्लिप क्यों हो रही है वायरल? राहुल गांधी के राजनीति में आते ही व्यवस्था ध्वस्त, पार्टी से जाते जाते राहुल गांधी और कांग्रेस को खूब सुना गए गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद ने 5 पन्नों के त्याग पत्र में लिखा है कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री के बाद और खासतौर पर जनवरी 2013 में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनने के बाद सलाह मशवरे के साथ चलने की जो परंपरा थी वह ध्वस्त हो गई। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी के आने के बाद सारे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को किनारे लगा दिया गया, उनकी जगह गैर अनुभवी और चापलूस दरबारियों ने ले ली, यही नहीं इन्हीं लोगों के हाथों में पार्टी के मामलों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। इसका अपरिपक्वता का बड़ा उदाहरण वह था जब राहुल गांधी ने मीडिया की मौजूदगी में सरकार के अध्यादेश को ही फाड़ दिया। उस अध्यादेश पर कांग्रेस के कोर ग्रुप में चर्चा हुई थी और कैबिनेट से मंजूरी भी दी गई थी। ऐसे बचकाना व्यवहार ने प्रधानमंत्री और भारत सरकार की गरिमा को कमजोर कर दिया था। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से अपने रिश्ते और गांधी परिवार की कई पीढ़ियों के साथ काम करने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने आपके दिवंगत पति राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी के साथ काम किया, आधी सदी से ज्यादा का वक्त मैंने कांग्रेस को दिया, लेकिन अब बेहद ही भारी मन से मैं कांग्रेस के सभी पदों से तत्काल इस्तीफा देता हूँ और पार्टी से भी अपने संबंध समाप्त कर रहा हूँ। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी से नाराज बताए जाने वाले G23 समूह के सबसे सीनियर नेता थे, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसको CBI ED से डर लग रहा है वो भाग जाएं और अन्य पार्टियों में भी बिना डरने वाले लोग हैं वे कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो, चलो भैया जाओ आरएसएस के हो जाओ भागो मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी वीडियो में जैसा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अन्य पार्टियों में भी बिना डरने वाले लोग हैं वे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या गुलाम नबी आजाद की कमी की भरपाई को कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों के नेताओं से पूरी कर पाएगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज, दिल्ली।